ज्यादा माफी के ड्रामे मेरे सामने मत करो, जाके कमरे में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी मुझे माफ नहीं करेंगी। हाँ भाई चलो माफ कर दिया, अब पता चला वासिफ के ससुराल की दावत जो सर पे खड़ी थी, इसीलिए फटाफट माफ कर दिया मुझे कि अगर अजरा से मैंने बिगाड़ी तो ये जाएगी नहीं और फिर होगी हमारी बेइज्जती। वाह वाह वाह, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं। अगर वासिफ को अफेयर करना ही होता तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं करता? तुमसे अच्छी कोई लड़की थोड़ी उसके आसपास। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उससे अच्छी कोई नहीं तो फिर कौन है जिससे इसका अफेयर चल रहा है। यार मुझे लगता है तुम फजूल में दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं वासिफ की रग-रग से वाकिफ हूँ, वो बेसबब नहीं मुस्कुराता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं कब से बेल बजा रहा था, खराब है क्या? नहीं बेटा लाइट नहीं है। अच्छा ये मोबाइल आया था समन का, ठीक हो गया। अच्छा कितने पैसे? ज्यादा नहीं, 250 रुपए लगे हैं बस। ऐसे तुम अंदर आओ, मैं समन को बुलाती। आओ बेटा बैठो। समन, वली तुम्हारा मोबाइल ठीक करा के ले आए। और बताओ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही? बस आंटी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। हो गया ठीक? हाँ वायरस था मोबाइल में। अच्छा मैं ना पैसे लेकर आती। अरे नहीं नहीं आंटी रहने दे, 250 रुपए तो है, खैर है। हाँ अम्मी रहने दे, बचपन में आपने इसको इतने मीठे पराठे बना के दिए, ये क्या 250 रुपए नहीं निकाल सकता? देख रही आप कैसे बात बात पे हिसाब किताब लेके बैठ जाती है। हाँ नहीं तो क्या, अम्मी पैसे रहने दे, एक मीठा पराठा बना के दे, खुश हो जाएगा। ये हुई ना बात, अगर आप मीठा पराठा बना रही हैं तो ठीक है, मुझे वैसे ही बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी बना कर लाती। बात सुनो, ये 250 रुपए में आंटी से नहीं तुमसे लूंगा, समझ आ रही है? अच्छा फिर मैं अभी अम्मी को मना करती हूँ मीठा पराठा बनाने से। आंटी दो बनाइएगा। निकाल के दिखाओ तुम मुझसे 250 रुपए। वो तो वक्त बताएगा बेटा, देखते हैं। चाय। आप आज फिर जल्दी आ गए दुकान से। तुम्हें क्यों लगता है बुरा मेरा जल्दी घर आ जाना? नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने तो बस ऐसी एक बात की है। एक बात के पीछे कई वजह होती है, अच्छी तरह मालूम है मुझे। वजह तो है, अजरा भाभी अक्सर कहती हैं कि जमाल भाई सारा काम करते हैं और नसीर कुछ नहीं करता। अजरा भाभी से कहो कि अगर नसीर कुछ नहीं करता तो वो खुद जाके जमाल भाई के साथ बैठ जाए। बस फजूल बातें करवा लूं उससे। तो आप पूरा वक्त दिया करें ना दुकान को। बीवियां जिद करती हैं कि शौहर घर पे टाइम नहीं देते, तो अजीब हो कह रही हो कि दुकान को टाइम दिया करें। अच्छा सुनो, वो परसों तैयार रहना, एक काम से जाना है। किस काम से? वो एक दोस्त है, उसने कहा है कि बीवी के साथ खाने पे आ जाए। अच्छा ठीक है। अरे भाई ये वासिफ कहाँ रह गया, देर कर रहा है,
खुतबा शुरू होने वाला है, बुलाओ उसे। वलीद जल्दी से वासिफ को बुलाओ। जी बुलाता हूँ। रहने दे, बैठो, खुद आएगा आज। कमबख्त हमेशा देर कर देता है। बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह भी बोल देते हैं ताकि नजर ना लगे। माशाल्लाह भी बोल देते हैं ताकि नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब खुश? अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ रह गए थे तुम? वक्त की पाबंदी करना सीखो। मौली साहब कहीं जमात खड़ी करने के लिए तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो चलो। एक मिनट रुके। क्या? अब क्या है? एक पिक्चर बस हो जाए। ओहो ला हौल वला। आ जाए, जल्दी बनाओ। आ जाओ बेटे, वो थोड़ा सा इधर हो। एक और मैं आप लोगों की बना लूंगा। नहीं बस बस बहुत हो गई, देर हो रही। चलो बेटा आओ आओ। इतनी फिट पिक्चर आई है, चेक कर रहे। मना भी कर रही थी कि जुमे बिरयानी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे कुरान खाने में खाएंगे तो सही बिरयानी, लेकिन हमारी सास को तो अपनी चलानी है। पता नहीं कब निजात मिलेगी इस बुढ़िया की हुक्मरानी से। जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, इतनी तेज अगर तुम्हारे हाथ भी चले तो ये बिरयानी कब की दम पर पड़ी होगी। भैया अम्मी, कहाँ जुबान चलाई है मैंने आपसे? हाँ आप ना हमेशा ना जिद लगाती है मुझसे, जो मैं कहती हूँ ना हमेशा उसको उल्टा करती है। अब अगर एक जुम्मे बिरयानी नहीं बनती तो क्या कयामत आ जाती घर में? अब देखो जरा, दोपहर में भी बिरयानी खाओ और शाम में भी बिरयानी खाओ। चलो तुम मत खाना, गुलशन आरा के यहाँ जाके जितना तुम्हारा जी चाहेगा तुम बिरयानी खाना, मगर घर के बाकी लोग जो है वो भी तो इंतजार करते है ना जुम्मे का, के जुम्मे को बिरयानी मिलेगी खाने को। बाकी लोगों के लिए भी वो भेजेगी बिरयानी, पक्की सहेली बन गई है मेरी, तीन ट्रे भेजेगी देखना। अजरा ये क्या जिद लगा लिया तुमने, जबरदस्ती उस औरत के पीछे पड़ गई हो। भाई मोहल्ले में नई नई आई है, क्या समझेगी वो हमें? अच्छा आप खड़ी क्यों हैं? जाए जाके नमाज पढ़े, मेरे सर पे सवार मत हो, मुझे उलझन हो रही है। आपका वजीफा खत्म होने से पहले बिरयानी की खुशबू आपकी नाक तक पहुंच जाएगी, जाइए। कहाँ चला गया देख चा, पता नहीं।
फरहाद नमाज पढ़ रही हो कि सेल्फी ले रही हो बेटा? अम्मी कोई अच्छी तस्वीर आ ही नहीं रही। आप एक काम करें, पर्दा हटाएं ना ताकि लाइट आए थोड़ी। फरहाद जन्नत नमाज पढ़ने पर मिलेगी ना कि अच्छी सेल्फी लेने पर। बस एक मिनट। हाँ ये वाली अच्छी है। अच्छा बात सुनो, नमाज मुकम्मल हो जाए ना तो प्लीज खाना खा लो, मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा बस करें अम्मी, अब मुझे उलझन होना शुरू हो गई है। एक दफा तो महीने में तेल लगवाती हो, उसमें भी उलझन हो रही है। बाल कैसे अच्छे होंगे? अगर शैम्पू अच्छा हो ना तो बाल भी अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, शैम्पू उल्टा और बालों को रूखा कर देता है। हर हफ्ते तेल लगाओ, फिर देखो तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत और चमकदार हो जाते हैं। अच्छा बस खुदा के लिए मेरे बालों का पीछा छोड़ दे, मैं जा रही हूँ नहाने। अरे अभी कोई नहाने की जरूरत नहीं है, अभी तेल लगाया, बालों की जड़ों तक जाने दो, फिर जाके नहाना। नहाने जा रही हूँ, इतनी मेहनत की मैंने। सूरह काहफ पढ़ ली अम्मी मैंने। अच्छा किया बेटा, हर जुम्मे को पढ़ा करो, सवाब मिलता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बबू खाना लगाओ बेटा। ठीक। अम्मी जरा रुक जाएं, अब्बू जरा गए हुए हैं, अशरफ अंकल उनको अपने घर ले गए थे, कुछ जरूरी काम था। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। जब तक अब्बू आ रहे हैं गेम लूडो का हो जाए। रहने दो, फिर तुम हार के लोगे। बस कर दो, तुम ये चीटिंग करता है बंदा। तुम चीटिंग करते हो? अभी देख लेंगे। देख लेते हैं अभी। बताएं जवाब भी, खेले? चलो खेलते हैं। अबू एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे तस्वीर खींचने दे। फरहाद अगर तुमने इस तरह की हरकतें ससुराल में की ना तो सास तुम्हारा फोन तोड़ देंगी। वैसे बेटे आपकी मामा कह तो ठीक रही है, ये कोई तरीका तो नहीं है कि यहाँ खाना सर्व करो और उधर तस्वीरें बना बना कर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। क्या हो गया अबू, अब तो सब ऐसे ही करते हैं, ट्रेंड है ये। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये क्या ट्रेंड है। बेगम आपको याद है हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया था? हमारे वालदैन ने तो हमारी ये तरबियत की थी कि अगर आप फल खाएं तो छिलके घर से बाहर ना फेंको, क्या पता आपका पड़ोसी मुतहम्मिल ना हो फल खरीदने का और वो बेचारा महरूमी का शिकार हो जाए। एक मिनट बस। हाँ अच्छा अब आप लोग खा लें। कितना भी कहूं तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जूतियां खाओगी सास से। क्या हो गया अम्मी, बद्दुआएं तो ना दें। अच्छा खाना शुरू करो। ओहो, एक तो इंटरनेट भी इतना स्लो चल रहा है, तस्वीर ही अपलोड नहीं हो रही।
लाए जी चपाती दे, जब तक इनका इंटरनेट जो है वो बहाल हो हम खाना ही खा लें। अरे नसीर भाई, इस गोट को यहीं रखते वासी भाई गोट पिट जाती। यार अपनी गेम खेलो ना, मेरे पीछे पड़े हो तुम, बताता हूँ तुम्हें। अभी मारने की बारी, पिटने की बारी भी नहीं ले रहे बस। पांच तीन, ये पांच गई ना, ये पांच से गई। चल शर्म नहीं आती बड़े भाई की गोटी मारते हुए? मुझे भी बुला लेते, खुद ही खेलने बैठ गए। भाई तुम हारते तो पड्डा डालती हो यार। हाँ मैं कभी नहीं हारती, अपने खानदान में मैं हजरत चैंपियन के नाम से मशहूर थी। हाँ तो फिर जाए जाके अपने खानदान में खेले। चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सांप सीढ़ी की चैंपियन थी। बड़ा अच्छा लग रहा ना सबके सामने बीवी का मजाक उड़ा रहे हो। भाभी मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। रहने दो, अकेले में तो कभी मजाक सूझता नहीं है, यहाँ अपने घर वालों को हंसाने के लिए मजाक कर रहे हैं। अच्छा भाई तुम खेल लो, तुम आ जाओ इधर। नहीं 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 आप ही खेलो, बस जैसे मैं बताऊं वैसे गोट चलनी है। चले ना, चलो भाई। चल मेरी है ये। ये हाँ पांच और चार, पांच इधर चले और चार उसको चले। पक्की गोट है वो? अरे मुझे पता है, देखना अभी दो मिनट में लाल हो जाएगी, जैसे कह रहे वैसे चले जल्दी से। ये पांच, हाँ ये खेल। चलो चलो भाई। ये छह, ये पांच, ये पांच से गई। पिटवा देना मेरी गोट। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? हाँ वो तो मुझे पता लग गया था, जब तुमसे निकाह हुआ था ना जब ही पता लग गया। तुम सबके दांत तोड़ूंगी एक दिन, खुश हो बीवी की बेइज्जती करा के। हाय बड़े बड़े एक्टिंग, वही तुम्हें एलिजाबेथ क्वीन मिलनी थी ना मेरी जगह। अस्मा, अस्मा जी। अम्मी चलो यार, चलो बस खत्म, बंद करो यार। जवान आप गेम हारने लगते हैं तो गेम ही बंद करो। हाँ यार बाद में खेलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है यार। ये क्या बात, आईना नहीं कह रहा तुम लोगों के साथ में यार। जब देखो यार हटाओ यार, एंजॉय यार बच्ची, एक तरह रखना और आपको खेलेंगे बाद में खेलेंगे। ये जो मैसेज पढ़ के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना, अगर अम्मी ने देख लिया तो तुम्हारा मोबाइल अपनी तहवील में ले लेंगी, बता रहा हूँ। क्या बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना मुस्कुराहट। अच्छा हंस नहीं रहे तुम? ओ रिप्लाई कर दो भाई, अगर रिप्लाई लेट गया तो नाराज हो जाएंगी भाभी। हंसना कम करो, हंसना कम करो। बेटा मोबाइल साइड पे रख दो और सुकून से खाना खा लो। अरे भाई बिरयानी लग रहा है ना, लाओ दिखाओ। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें लेकर आने में? हाँ तुम हमारे इंतजार में रहती हो क्या, घर में खाना नहीं बनाती? जब मुझे पता है कि बेबी बाजी के घर से हर जुम्मे को इतने मजे की बिरयानी आती है तो फिर मैं अपने घर का खाना क्यों खाऊं? बर्तन लाके दो जल्दी से, घर पे खाना खाना है मुझे। मैं शाम में आऊंगी ना, तब दे दूंगी। अल्हाफिज़। इसे मुंह पे दरवाजा कौन बंद करता है बदतमीज? जो कहता है वही होता है। मत पूछो, अम्मी तो हर वक्त मुझे डांटती रहती है, यही कहती है कि ससुराल जाओगी तो जूते पड़ेंगे। क्यों ऐसा क्या किया तुमने? वो उनको मेरा ना हर वक्त फोन यूज करना अच्छा नहीं लगता। ये तो मेरी अम्मी को भी अच्छा नहीं लगता। मर गए मतलब पक्का जूते पड़ेंगे? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे मौके पर तो मेरी अम्मी झाड़ू का इस्तेमाल करती है। क्या मजाक कर रहा हूँ।
हद होती है। मैं समझ रही थी कि तुम सच बोल रहे हो। खैर, हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना भी अच्छी आदत नहीं है। लेकिन वासिफ, तुम्हें पता है जितनी ज्यादा पोस्ट लगाओ ना उतनी फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। मेरी दोस्त है ना सारा, उसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। और वैसे मैंने भी सोचा है कि हम दोनों की जब शादी हो जाएगी ना तो मैं हमारी तस्वीरें पोस्ट करूंगी और कपल गोल्स का हैशटैग भी लगाऊंगी। वो नादिया है ना, वो भी ऐसी करती है। सच बताऊं तो सोशल मीडिया पे इतना यूज नहीं करता, और ऐसी पोस्ट लगाने से ना मोहब्बत को नजर लग जाती है। हाँ वैसे ये बात तो है। सारा की भी शादी कुछ सही नहीं चल रही है, बस फेसबुक की हद तक ही दोनों खुश नजर आते हैं। खैर तुम और बताओ क्या हो रहा है। कुछ नहीं, असाइनमेंट कर रहा था अपना। ये फॉर्म है, आप इसको फिल कर दीजिए। इट्स अ काइंड ऑफ राजीनामा जिसके मुताबिक आप लोगों पे कोई दबाव नहीं है और आप लोग अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कुरान खानी में नहीं गई? वो घर पे ताला लगाना पड़ता और अब्बा असर की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वो आए तो इसलिए तो मैं आई हूँ। क्या लेकर आई हो? आलू कीमा। अम्मी कह रही थी खाली बर्तन वापस ना करना। शहनाज तो फिर शहनाज ही है ना, ना आजकल के पड़ोसी तो सारे तौर तरीके ही भूल गए। आपके घर से भी तो पाबंदी से हर जुमे को बिरयानी आती है, वैसे आज की बिरयानी बड़ी चटपटी थी, आपने बनाई थी? नहीं, आज अजरा भाभी की बारी थी, वो तो कह रही थी दाल बना लेते क्योंकि रात में कुरान खानी में बिरयानी मिलेगी, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती बनवाई। उन्होंने कहा कि बाकी के घर वाले क्या खाएंगे, वो तो कुरान खानी में नहीं जाएंगे ना। सही बात है, मैं भी खूब इंतजार कर रही थी। वलीद आके अपनी चाय ले लो। और ये रही तुम्हारी चाय। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं पी के आई हूँ। थोड़ी सी और पी लो, इलायची डाली है। ओहो बदतमीज लोग आए ने। जो कहते वही होता है। अरे ना सलाम ना दुआ, आते ही लड़ाई शुरू। इसने दोपहर में दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था, इसको बताए कि तमीज क्या होती है। बात सुनो, 250 रुपए लाई हूँ मेरे। किस चीज के 250 रुपए? इसने फोन ठीक करवाया था ना मुझसे। हाँ तो उसके बदले मैंने तुम्हें मीठा पराठा नहीं खिलाया था? 250 रुपए का काम करके गया और 500 रुपए का पराठा खा गए। 500 का? हाँ 500 का। तुम्हें पता है आटा कितना महंगा हो गया, और जो तुमने खाया था वो मीठा पराठा था, उसमें चीनी होती है, तुम्हें पता है चीनी कितनी महंगी है। अच्छा ये जो तुम चाय पी रही हो ना, इसमें दूध भी है, पानी भी है और इलायची भी है। चलो हमारी 700 रुपए की चाय नीचे रखो। चलो ये क्या मेरा तुम्हारा लगा के रखा है, पागल हो गए हो क्या? ये अपनी चाय पकड़ो और वासिफ को भी दो। लेकिन वासिफ भाई तो ना कमरे में ना बाहर है, छत पे होगा। अपनी होने वाली बेगम से बात कर रहे होंगे। चलो उनको रंगे हाथों पकड़े। अच्छा अभी तो तुम लड़ रहे थे इसे। अरे मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे कोई क्राइम पार्टनर भी तो नहीं है। भाभी वैसे वासिफ भाई को तंग करने में बहुत मजा आता है, आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं भाई मुझे तो तुम लोग रहने ही दो। हम लोग ही करते हैं, आजो आजो। अच्छा ज्यादा तंग मत करना। नहीं तुम्हारी कॉल आई तो छत पर आ गया ताकि आराम से बात कर सकूं, वरना वलीद मेरे हर वक्त इर्द-गिर्द मंडराता रहता है, बड़ी नजर रखता है मुझ पर। क्यों? वो क्यों नजर रखता है? उसे ब्लैकमेल करके पैसे जो लेने होते हैं। लेकिन वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करता है? नहीं बस वैसे ही। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। वो मैं तुम्हें अपने कपड़ों की तस्वीरें भेजूंगी, तुम मुझे बताना तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं वो ही पहनूंगी। तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगोगी। जी जी भाभी आप जो भी पहनो बहुत अच्छी लगेंगी। ये क्या बदतमीजी है? होने वाली भाभी से समन की बात करा दो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं?
समन सलाम कह रही है। ये समन कौन है? शनाज आंटी की बेटी है। शनाज आंटी कौन है? हमारी अम्मी ने समन को बेटी बनाया हुआ है तो इसीलिए ये आपकी नंद हुई। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये क्या बदतमीजी है यार, हमें क्या पता आप छत पे क्या चल रहा है। मैं तो तुम्हारी चाय लेकर आया था, समन ने कहा कि वासे भाई को सलाम कर रहे हैं तो ये भी आ गई। समन एटलीस्ट ऐसे कामों में तुम्हें इसका साथ तो नहीं देना चाहिए। अच्छा गुस्सा मत करो, ये लो चाय पियो। यार पता नहीं क्या सोचेगी वो, इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। जॉइंट फैमिली में कोई प्राइवेसी नहीं थी ब्रो। वलीद वासे भाई अच्छा गुस्सा मत करो, चाय पियो, बैठो बैठो आराम से बैठो। बैठो ना। क्या सुना तुम दोनों ने? बस यही सुना कि जो भी पहनो बहुत अच्छी लगती हूँ। तो अपनी चेयर ले आओ। तुम इधर बैठो। अरे ले आओ अपनी चेयर यार, चलो उठो, चलो यहाँ से खड़े उधर। आज की बात थी। हाय अल्लाह भाई, पता नहीं कैसा खाना था, कसम से खाते ही मेरा दिल मत लाने लग गया है। आए, लग रहा है यहाँ हलक में अटका हुआ है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही कोई गंदा घी और तेल इस्तेमाल किया गया था खाना पकाने के वक्त। नहीं अजरा, खाना तो बहुत अच्छा था, वैसे ना तुमने खा ज्यादा लिया। मैं तो तुम्हें रोक रही थी लेकिन लगता है कि खाना खाते हुए ना तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अरे हाँ भाई, जरा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझे खाने से क्यों बार बार रोक रही थी, जैसे तुम्हारे घर का खाना खा रही हूँ मैं है? और खुद 3 प्लेटें डकार गई तुम बिरयानी की है। वहाँ पे सिपारा पढ़ने गई थी कि खाना खाने गई थी, ऊपर से मुझे कह रही हो मेरे निवाले गिनने से बैठी हुई वहाँ पर। और वही वाह क्या बात है तुम्हारी, क्यों चुन चुन के बोटियों के पीस निकाले थे तुमने प्लेट में सब देख रही थी मैं। अजरा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जाओ जाके आराम करो। नहीं भाई नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही, अंदर बहुत गर्मी है, मैं तो यहीं बैठूंगी हाँ ठंडक में। वैसे बाजी आपको ये लोग कैसे लगे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। भाई सच्ची बात है कि मुझे भी समझ में नहीं आए। भाई जरा मुझे ये बताओ शहनाज, तुम्हें हर एक में कीड़े क्यों नजर आते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ तुम ही अफजल हो, सबसे बेहतर तुम ही हो, बाकी सब बेकार लोग हैं। और जरा ये भी बता दो कि क्या बुराई नजर आ गई तुम्हें उस बेचारी में, कितनी मोहब्बत से तो गुलशन आ राव भगत कर रही थी, ये ले लो ये खा लो ये भी लो वो भी लो, अब क्या तुम्हारे मुंह में निवाले देती हो? उस बेचारी ने पूरे का पूरा घर तो अपने मायके से भरा हुआ था, ससुराल का तो कोई एक भी नजर नहीं आ रहा था, और वो सास बिचारी एक कोने में मासूम सा चेहरा बना के सबको देख रही थी। और तो और बाजी, उसे तो किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। तौबा तौबा तौबा, भाई तुम तो पूरे घर का एक्सरे निकाल कर आई हो है। वहां से पारा पढ़ने गई थी कि टोल लेने गई थी, पता भी है टोल लेने वाली औरतों के लिए कितनी सख्त सजा है, और इतनी ज्यादा हमदर्दी हो रही थी ना उसकी सास से तो खुद ही खाना खिला देती उस बुढ़िया को। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? जो देखा वही बोल रही हूँ, खुद से थोड़ी लगा रही हूँ मैं। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मेरी सहेली है, जैसे ये है ना तुम्हारी पक्की सहेली, वो भी मेरी पक्की सहेली है, और उसके बारे में अगर कोई बुरा कहे ना तो मुझे भी बहुत आग लगती है। आइंदा ना उसके बारे में कोई बात तुमने की ना तो अच्छा नहीं होगा, बता दिया मैंने। अरे अरे फिर मतली हो रही है, क्या करूं? अरे अस्मा बहन, अस्मा तबीयत खराब हो रही है मेरी, वरना ऐसी खरी खरी सुनाती ना तो मैं याद रखती तुम। अस्मा बहन मुझे अजवाइन और नमक दे दे, बड़ी तबीयत खराब हो रही है, अल्लाह क्या खा लिया मैंने। अरे हाय बाजी आपकी हिम्मत है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हैं आप इसे। तौबा मेरे चाचा को आग मत लगाना। यार वासी भाई क्या हो गया, मजाक था वो यार। ये कैसा मजाक था, ऊपर से समन भी आ गई, पता नहीं क्या क्या सुना होगा तुम लोगों ने यार। अब हालात का पता नहीं यार, पता नहीं क्या सोच रही होगी। कुछ नहीं सोच रही होगी, अगर तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है ना तो कॉल करके पूछ लो, और अगर उनको मजाक बुरा लगा होगा तो मैं सॉरी कर लेता हूँ। इतने से मजाक पे तुम्हें बुरा लग गया, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल जाओगे। यार बुरा नहीं लगा, कितनी मैनेजमेंट वाली बात है, और उसके बाद फरहत का मैसेज भी नहीं आया। तो तुम कर लो, लिखो व्हाट्सएप, बल्कि नहीं 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 लिखो के मेरे बाबू ने ताना था। क्या तू नहीं सुधरेगा,
अच्छा भाई बात सुनो, ये मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, अगर समीर की कॉल आए ना तो उसको कह देना कि मैं 10 बजे तक आऊँ, ठीक है? बताऊंगा मैं, उसकी कॉल आने दो यार, प्लीज यार, उसका कोई मजाक, आने तो दो। बताता हूँ बेटा। बाजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको इतनी बात क्यों बुरी लगी है, खामखाम मुझसे लड़ने को आ रही थी। अतरा तो जो करे कम है, मगर मुझे समझ में नहीं आता मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो इस जैसी बहू मेरे सर पर आ गई। पहले तो चीखती चिल्लाती थी, अब चीजें भी पटकने लग गई। परसों लड़ झगड़ कर अपने कमरे में जाके बैठ गई, मैंने खाना भिजवाया तो बाहर ट्रे फेंक दी। फिर क्या, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जमाल उसी वक्त आ गया, उसने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। अच्छा, फिर जमाल ने तो इसकी तबीयत खूब साफ की होगी, कहां मौका दिया होगा, फौरन आके मेरे कदमों में गिर गई और माफिया मांगनी शुरू कर दी। हाँ भाई, चालाकी तो खत्म है इस पर, और नहीं तो क्या, चालाकी मकारी में तो इसने शायद PhD कर रखा है, हम नहीं पहुंच सकते उस तक। ये बात तो है बाजी। अरे मैं नहीं बचने की अस्मा, इस बार नहीं बचूंगी, मैं निकल लूंगी, बता दिया मैंने तुझे। हौसला रखें भाभी, आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। नहीं, इस बार कुछ नया है अस्मा, मुझे पक्का पक्का यकीन है ये शनाज जो है ना जादू टोने करा रही है मेरे ऊपर। ये नहीं दे, ये ना मुझे मार के दम लेगी, खून की उल्टियां करवाएगी मुझे ये। और क्यों खामखा अपने दिल में वहम पैदा कर रही है, शहनाज ऐसा क्यों करेगी? अरे भाई तुम नहीं जानती इसको, तुम तो अभी शादी होके आई हो, मैं तो बहुत पुराना जानती हूँ, बड़ी तेज औरत है ये, बड़ी तेज औरत है। अरे कुछ औरतें होती है ना, जलन उनके दिल में पल रही होती है, हसद पल रही होती है, ऐसे लोग ना किसी को कुछ नहीं देख सकते, इससे मेरा फलना फूलना मेरा पनपना देखा नहीं जा रहा है, इसकी ताबीज कर रही मेरे ऊपर ये। अरे अल्लाह, अब देखो जरा क्या जरूरत थी मुझे कहने की कि भाई अजरा तुम बहुत खा रही हो, बस करो, इसके बाप का माल खा रही थी मैं, है जो ये नजर लगाए बैठी थी मेरे खाने पे, बस जब से तबीयत खराब है भाई मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का खाने पे टोकना मुझे। भाई उनको पता है ना कि ज्यादा खाना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए कह रही। बात सुनो, तुम्हारे की वकील बन के बैठ जाती हूँ, वकालत क्यों नहीं कर लेती तुम, है हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, आए मेरे दिल रखने के लिए कह दो कि आओ भाभी आप ठीक कह रही है, शराब सही औरत नहीं है, आए वाला दिल ही रख दो कम से कम, मैं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे बताओ उसने तो मुझसे ज्यादा खाया था, वो तो बिल्कुल हट्टी कट्टी घूमने लग पड़ा था, पत्थरों से मर, मेरी हालत देखो क्या हो रही है। अच्छा अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना तो आपको डॉक्टर के पास ले चलो। अरे ना बाबा ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाने के भाई, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाने की, मैं डॉक्टर आओ देखता है ना ताओ देखता है, बस आजकल के डॉक्टर तो निकाल के सुई घुसा देते हैं, उसके बाद वो दर्द तो चले जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाओ वो सुई वाला दर्द रह जाता है भाई, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाने की डॉक्टर के पास, बता दिया मैंने। तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी? काम कर मेरी डकार ना फंस रही हो, मैं अटकी हुई है, जरा सही से मसल ना, अभी डकार निकल जाएगी यहाँ से। आई 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 आ रही आ रही आ रही आ रही हो, हाय हाय हाय, एक और आई, सुकून हो गया, निकल गई, हाय सुकून हो गया, ये डकार नहीं थी, ये शराब की नजरें थी जो पेट तक भर गई थी मेरे। हाय एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक मंगा दे मुझे, हैं थोड़ा सुकून आ जाएगा मेरे पेट में, जा शाबाश। अच्छा मैं वासिफ या वलीद से कहती हूँ, आये भक्की चूरन तो लेती जा भाई। आए, आए शनाज अल्लाह तेरा बेड़ा गरक करे, गंदी नजरें तेरी पेट में उतर गई मेरे। आए सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी तेरा। वालेकुम सलाम, आओ बेटा। लाड देखी इसके, क्यों ना करे लाड, माँ का लाड लाजो है। कोई नहीं, अम्मी के लाडले तो बस नसीर भाई हैं, उन्हीं के नखरे उठाती हैं बस। अरे क्या बात की है तुमने, मेरे लिए तो सब बराबर है। वलीद वो जरा जरा भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो ले। आज उनको फिर चाहिए, अब क्या हुआ? खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था उसने। भाभी मुझे मुनीर के पास जाना है। चना बाद में चले जाना,
पहले जो काम का है वो करो, ख्याल रखा करो सबका। चलो जाओ। अच्छा मम्मी। अच्छा बाजी, मैं भी चलती हूँ, समन के अब्बा आ चुके होंगे। अच्छा शहनाज, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मम्मी, मैंने कल नसीर के साथ उनके दोस्त के यहाँ जाना है, उन्होंने खाने पे बुलाया, लेकिन कल ना मेरे काम का दिन है तो। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, और अच्छी तरह से तैयार होके जाना। खुदा खुदा करके नसीर को तुम्हें साथ ले जाने का ख्याल तो आया। ठीक है। हो गई तैयार? जी। नसीर कहाँ है? वो बस कपड़े बदल के आ रहे। जमाल से गाड़ी लेकर आए या तुम्हें रक्षा टैक्सी में धक्के खिलाएगा? नहीं नहीं, गाड़ी लेकर आए। अच्छा, तो बहन एक काम कर दो मेरा, है जाते हुए ना मुझे जरा गुलशन आरा के घर उतार देना। आपने वहां क्यों जाना है? देखो जरा, मुझे कहा था कि खाना भेजेगी, खाने के नाम पे एक दाना तक नहीं भेजा उसने घर पे। जरा खबर तो लेके आओ इसकी। मैं तो इस बात पे आप लड़ने जाएंगी उनसे? अरे लड़ कौन रहा है, लेकिन एहसास तो दिलाना चाहिए ना इंसान को। यहाँ सहेली सहेली कह के हमारी जबान नहीं थकती, और वो है कि उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है हमारा। मैं बस चादर लेकर आती हूँ। अम्मी को बता दिया? उनसे क्यों पूछूं भाई, मैं कोई मैके रहने जा रही हूँ, पिछली गली में तो जा रही हूँ, चादर ला रही हूँ मैं। आप कहाँ साथ चल रही हैं? बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, पिछली गली में जा रही हूँ, गुलशन आ रहा क्या उतार देना मुझे, चादर लेके आती हूँ मैं। चल भाई, चला जा, इसका इरादा ना बदल जाए कहीं। ये हम कहाँ आ गए? चलो तो सही आओ। ये फॉर्म है, आप इसको फिल कर दीजिए। इट्स अ काइंड ऑफ राजीनामा जिसके मुताबिक आप लोगों पे कोई दबाव नहीं है और आप लोग अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करा रहे हैं। ये काम करके प्लीज आप ओटी में आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। नसीर, हम यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आए? ये गलत है नसीर। मेरे साथ भी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है। इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? कि तुम इसकी माँ हो। खुदा के लिए नसीब, ऐसा ना करें। मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुमने इस बारे में घर में अपनी जबान खोली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये गलत है, ये नाजायज काम है। कुछ हालात में जायज है। वो तब, अगर अगर माँ की जान को खतरा हो। भाभी, माँ की जान खतरे में? बोलो, अब अपने बच्चे की जान दोगी? हाँ दोगी? दीदी आ जाएं आप अंदर, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इनका हाथ पकड़ के ले जाएं, तबीयत थोड़ी नासाज है।